दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि किलोवाट और केवीए में अंतर क्या होता है। काफ़ी कंफ्यूजन भरा ये टॉपिक है, किलोवाट और केवीए। तो इसी टॉपिक को इस वीडियो में काफ़ी आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमेशा उन वीडियोज़ से अपडेट रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को, जो कि आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो देखिए, किलोवाट यह हमारी वास्तविक पावर होती है और केवीए जो होती है हमारी, यह आभासी पावर होती है। ठीक है, यह टोटल मतलब जितनी होगी उतनी पावर हमें मिल जाएगी और यह जो होती है इसमें कुछ कट करके पावर हमें मिलती है। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी ये पावर होगी, लेकिन इसमें हम अनुमान नहीं, इसमें टोटल का टोटल हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे इसको समझें, यदि मान लीजिए 10 किलोवाट है, ठीक है, तो 10 किलोवाट मतलब 10 किलोवाट, उसमें अंतर नहीं आएगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर केवीए है, अगर ये 10 केवीए है, तो 10 केवीए में जितनी पावर, एक्चुअल में ये पावर तो है नहीं, यह आभासी पावर है, यह टोटल पावर तो है नहीं, तो इसमें क्या होता है कि यह टोटल की टोटल, यह जो हमारा 10 केवीए है, जितनी है उतनी की पूरी हमें नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है? देखिए, जैसे कि 10 किलोवाट है, तो 10 किलोवाट की जैसे मान लीजिए हमारी मोटर है, ठीक है, और यह जो केवीए होता है, केवीए में हमारा ट्रांसफार्मर जनरेटर, ठीक है, अल्टरनेटर अल्टरनेटर, ठीक है, टरबाइन, ये सब हमारे केवीए में होते हैं। अब देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए, किलोवाट और केवीए इनमें होता क्या क्या है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, वोल्ट और एम्पियर होता है, ठीक है, लेकिन जो केवीए होता है इसमें वोल्टेज, एम्पियर और कॉस फाई, इन तीनों का जो गुणनफल होगा वह केवीए होगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, यह जितनी की जितनी होगी पावर, वो उतनी की उतनी पूरी पावर हमें मिल जाएगी, लेकिन इसमें यह पावर क्यों वेरिएट होती है, उसका कारण और केवल कारण है कॉस फाई, जो कि 0 to 1 के बीच में वेरी करता है। अब ये जो वैरी करता है, अगर यह पावर कम होगी, ठीक है, तो निश्चित बात है पावर फैक्टर कम हो रहा है। अगर पावर ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ जाएगी हमारी, तो कॉस फाई हमारा बढ़ जाएगा। सीधा सीधा कॉस फाई से ही इसका रिलेशन होता है, क्योंकि देखिए, इसमें भी वोल्टेज है, इसमें भी वोल्टेज है, इसमें भी एम्पियर है, इसमें भी एम्पियर है, बस केवल इसमें कॉस फाई नहीं होता है, इसमें कॉस फाई होता है, ठीक है। तो अब देखिए, यह मतलब किलो में तो दोनों है, ठीक है, के वी, ठीक है। अब देखिए, जो मोटर हमारी, जो मोटर जो कंपनी बनाती है, उसको यह पता होता है कि हमारा जो मोटर है उसमें वोल्टेज कितनी जाएगी, उसका एम्पियर कितना होगा और इसका कॉस फाई कितना होगा, यह हमें उस कंपनी को पहले से ही पता होता है, क्योंकि वो डिज़ाइन कर रही है तो उसको पहले से ही पता होता है, तो वो एग्जैक्ट बता देती है कि ये कितने किलोवाट की मोटर होगी। लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, ये क्या करता है, क्योंकि ये जो मोटर होती है हमारी, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, लेकिन यह जो ट्रांसफार्मर होता है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, जनरेटर जो होता है या अल्टरनेटर जो हमारा होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। टर्बाइन है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो इसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर के बारे में हमें पता नहीं होता है, कि देखिए, ट्रांसफार्मर का तो निर्माण कर दिया कंपनी ने,
अल्टरनेटर का निर्माण कर दिया, टरबाइन का निर्माण कर दिया, लेकिन तीन प्रकार के लोड होते हैं जो कि रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, तीन प्रकार के लोड होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा, जिसमें देखिए रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर एक रहता है, कैपेसिटिव में पावर फैक्टर एक रहता है, लेकिन जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है इसी में पावर फैक्टर अप एंड डाउन होता है, जो 0 to 1 के बीच में घूमता है, ठीक है। लेकिन मोटर जो हमारी होती है उसका तो पता ही होता है हमारा कि 0.8 स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है, उसी के ऊपर इसका किलोवाट निकाल लिया जाता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है, अल्टरनेटर होता है, टर्बाइन होती है, उसमें जो बनाने वाली कंपनी है उसको यह नहीं पता होता है कि आप इसके साथ में आप रेजिस्टिव लोड जोड़ोगे या कैपेसिटिव लोड जोड़ोगे या इंडक्टिव लोड जोड़ोगे, आपको उस कंपनी को ये चीज़ नहीं पता होती है, इसीलिए वो सीधा सीधा सारा कुछ एम्पियर पर डाल देती है कि जितना आप एम्पियर यूज़ करोगे उसी के अनुसार यह डिज़ाइन कर दिया जाता है कि क्योंकि वोल्टेज जो हमारा होगा वो कांस्टेंट होगा हर कंडीशन में, चाहे आपका किलोवाट हो या केवीए हो, दोनों कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, बस केवल और केवल एम्पियर वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि यह कॉस फाई जो है, कॉस फाई यदि घटेगा तो एम्पियर बढ़ जाएगा, अगर कॉस फाई बढ़ेगा तो एम्पियर घट जाएगा, सीधा सीधा इसके साथ रिलेशन होता है। तो यह जो इंडक्टिव लोड होता है यह पावर फैक्टर को डाउन कर देता है। अब जब पावर फैक्टर कम हो जाएगा, मान लीजिए सीधी बात एक बात समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 500 एम्पियर हम ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है या अल्टरनेटर है, पावर ये हमारा 500 एम्पियर दे रहा है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, वी आई इंटू कॉस फाई पावर इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला होता है। अब पावर, पावर यही किलोवाट होता है, यही वास्तविक पावर जो हमारी होती है किलोवाट, उसी के लिए ये फार्मूला होता है वी आई इंटू कॉस फाई। अब वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, एम्पियर का जो रिलेशन होता है वो कॉस फाई से सीधे सीधे होता है। अब क्या है कि यह जो कॉस फाई है, अगर मान लीजिए इसके साथ में पावर फैक्टर हमारा अगर एक हो गया, चूंकि 0 to 1 के बीच में वेरी करता है जो पावर फैक्टर हमारा होता है, तो अगर ये एक हो गया तो क्या होगा कि 500 का गुणा करेंगे एक में तो सीधा सीधा हमारा 500 एम्पियर पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा, कोई भी नुकसान हमारा नहीं होगा। अब अगर यही पावर फैक्टर हमारा 0.9 हो जाता है, तब देखिए क्या हो जाता है, सीधे सीधे 9 × 5 = 45, 450, सीधे सीधे हमें 50 एम्पियर का नुकसान हो जाएगा। मतलब पावर फैक्टर का सीधा सीधा संपर्क संबंध हमारा जो कि करंट से होता है, ठीक है, पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो करंट हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि जब से हमारा जो भी मोटरें हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो पूरे के पूरे 500 एम्पियर लेंगी, लेकिन हमारा पावर फैक्टर डाउन हो गया तो हमें 450 एम्पियर ही मिल रहा है, तो 50 एम्पियर का जो हमारा नुकसान होगा इसकी भी भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी ना, इसीलिए पावर फैक्टर जो होता है वो पता नहीं होता है किसी भी ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर या टर्बाइन बनाने वाली कंपनी को कि पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इस पावर फैक्टर की वजह से ही सारा कुछ वो एम्पियर पर ही छोड़ देती हैं कि जितना एम्पियर होगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो एम्पियर बढ़ जाएगा, अगर पावर फैक्टर एक पहुंच जाएगा तो एम्पियर हमारा जितना है उतना का पूरा एम्पियर हमें मिल जाएगा। अब देखिए जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर है या जो भी चीज़ें हैं उसमें दो प्रकार के लॉसेज होते हैं, नंबर एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस, ठीक है, दो प्रकार के लॉस होते हैं, इसी आयरन लॉस को हम एडी करंट लॉस भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस जो आयरन लॉस हमारा होता है इसमें वोल्टेज का नुकसान होता है, ठीक है, वोल्टेज का लॉस होता है, और जो कॉपर लॉस होता है इसमें हमारा करंट का नुकसान, क्योंकि करंट जब ज़्यादा फ्लो होगी, चूँकि इसमें कॉपर के तार लगे हुए होते हैं उन, और जब करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो निश्चित बात है वो सारा का सारा लोड जो है, वो सारा का सारा जो करंट फ्लो होगा वो हमारे इन्हीं कॉपर के तारों से होकर के ही गुजरेगा, तो ये जितना का जितना जो नुकसान होगा वो कॉपर लॉस के अंतर्गत आएगा जो कि करंट के हमारे नुकसान में आएगा, और जो हमारा आयरन का लॉस होगा वो वोल्टेज के नुकसान में हमारा आएगा,
ठीक है, वोल्टेज की वजह से। इसीलिए हम आयरन लॉस को कम करने के लिए, हम सीधे सीधे कॉपर लॉस को कम करने के लिए हम पावर फैक्टर को मेंटेन कर लेंगे, लेकिन हमारा जो आयरन लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम एडी करंट लॉस, इसी को बोल देते हैं हम, जो कि लेमिनेटेड कोर वगैरह लगा करके ट्रांसफार्मर में, उससे हम आयरन लॉस को हम अपना मेंटेन कर लेते हैं। तो केवल और केवल इसी कारण से कि, या मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किन किन कारणों से केवीए और किलोवाट में अंतर हो जाता है। इसका सारा का सारा बेस एम्पियर पे होता है और इसमें एम्पियर का रिलेशन कॉस फाई से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉस फाई होती नहीं है क्योंकि ये वास्तविक पावर होती है, पूरी की पूरी पावर होती है। और इसमें, क्योंकि इसमें इस वाले में किलोवाट में क्या होता है, केवल वोल्टेज और एम्पियर होता है, लेकिन जो केवीए होता है उसमें वोल्टेज, एम्पियर और कॉस फाई होता है। बस केवल कॉस फाई की वजह से ही ये एम्पियर में होता है और ये वास्तविक एनर्जी होती है किलोवाट में। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये किलोवाट और केवीए में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन सारी वीडियोज़ से अपडेट रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।